अब बारातियों की संख्या निर्धारित करेगी दिल्ली सरकार। अधिकारियों ने कहा, बारातियों की संख्या के हिसाब से बनना चाहिए खाना। सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी शादियों में होने वाले भोजन और पानी की बर्बादी पर चिंता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐलान, दिल्ली में 4 नए डेंटल सेंटर और 100 क्लिनिक का होगा निर्माण, हजारों मरीजों को होगा फायदा। दिल्ली की हवा में बढ़ा बेंजीन और NO2 का लेवल, इन गैसों से लोगों में बढ़ रही है सिरदर्द, चिड़चिड़ेपन, तनाव और सांस लेने में परेशानी। मुफ्त पानी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, 10 पैसा या 1 पैसा चार्ज करिए। गंदे नालों को लेकर हाई कोर्ट ने PWD और लोकल बॉडीज को दिए सख्त निर्देश, कहा साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 के कुशक नाले के मिलकर जांच करें और सफाई का मिलकर प्लान बनाएं। PNB में सामने आया फ्रॉड का एक और मामला, शास्त्री नगर स्थित PNB की ब्रांच के 40 खातों से लाखों रुपए गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को भी स्थिर, दिल्ली में लोगों को मिल रहा है 70 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल, डीजल के लिए चुकाने पड़ रहे हैं 64 रुपए 66 पैसे। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने घोड़ा पछाड़ गैंग के 4 जेबकतरों को किया गिरफ्तार, 2 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 2 चाकू बरामद। पोजीशन न देने के आरोप में ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, नोएडा के रहने वाले व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड NPCL ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शुरू की मुहिम, बिजली चोरी के आरोप में 51 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जालौन में जिलाधिकारी कार्यालय में भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ का प्रदर्शन, खाद बीज अस्पतालों जैसी कई समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बुलंदशहर मामले को लेकर SPCT पर गिरी गाज, लापरवाही के आरोप में हटाए गए SPCT प्रवीण रंजन, अतुल कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई कमान। 5 राज्यों में BJP की हार पर बोले डिप्टी CM दिनेश शर्मा, पार्टी चुनावी हार का विश्लेषण करेगी, यह कोई बड़ी हार नहीं है। मंदिर का रास्ता रोके जाने से विश्व हिंदू परिषद नाराज, बोले बंद नहीं होने देंगे ताजमहल की ओर से जाने वाला मंदिर का रास्ता। BJP के हार पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का तंज, बोले अब की बार खुद ही सरकार, यही हाल 2019 के चुनाव में भी होगा। पूर्व CM हरीश रावत समर्थक पदाधिकारियों पर गिरे गाज, पार्टी से निकाले गए 4 बड़े पदाधिकारी, चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आज फिर होगी बिहार में सभी शेल्टर होम की जांच, एक विशेष अभियान के तहत कराई जाएगी शेल्टर होम्स की जांच, समाज कल्याण विभाग के एक आला अधिकारी ने दी जानकारी। SSP रेल पुलिस और चाइल्डलाइन को मिली कामयाबी, टीमों द्वारा छापेमारी में पोरबंदर एक्सप्रेस से 8 बाल मजदूर कराए गए मुक्त, तस्कर गिरफ्तार। चुनावी नतीजों को लेकर बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, 5 राज्यों के नतीजों का झारखंड में नहीं होगा असर, हमारी सरकार ने राज्य में जनता के लिए किया है काम। झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन का बयान, बोले BJP मुक्त झारखंड के नारे के साथ चुनाव में उतरेगा झामुमो। राहुल गांधी ने निकाला मुख्यमंत्री चुनने का नायाब तरीका, कार्यकर्ताओं के पास फोन कर पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा नाम। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक वर्दीधारी नक्सली ढेर, 25 नग ID बारूद का जखीरा बरामद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किया सरकार बनाने का दावा, राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, 121 विधायकों के साथ होने का दावा किया पेश।
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा अपना इस्तीफा। बोले, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सरकार का दावा नहीं करेंगे, अब मैं आजाद हूँ। एमपी में सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायकों की बैठक। सिंधिया बोले, जनता ने भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका। जयपुर में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। अशोक गहलोत बोले, सीएम का फैसला आलाकमान करेंगे, अभी नहीं पता किसके नाम पर लगेगी मुहर। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गहलोत पायलट के समर्थकों की नारेबाजी। दोनों दिग्गज नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। राहुल गांधी से की अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग। महाराष्ट्र एटीएस ने तो खालिस्तानी समर्थकों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टर बनाने का लगा आरोप। लातूर में एक महिला आईपीएस का वीडियो वायरल। वीडियो में दलित विरोधी बयान देती नजर आ रही है महिला। चाकूर के उप विभागीय अधिकारियों ने की बर्खास्तगी की मांग। मुश्किलों से घिरे किसानों की मदद करेगी महाराष्ट्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। किसानों की मदद करने वाली महा एफपीसी ने प्याज की कमी वाले राज्यों से साधा संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को लगा बड़ा झटका। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे जे सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 2017 में शिरोमणि अकाली दल में हुए थे शामिल। अमृतसर हवाई अड्डे पर आधा किलो सोने के साथ शख्स गिरफ्तार। सीमा शुल्क विभाग ने सोने के 5 बिस्किट किए बरामद। 5 राज्यों के नतीजों पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा, कांग्रेस की जीत बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अंत की शुरुआत है। पंजाब पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। खालिस्तान समर्थकों को हथियार सप्लाई करने वाले को किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। 3 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद हरियाणा में बढ़ी बीजेपी की मुश्किल। मेयर चुनाव के लिए 16 दिसंबर को होगा मतदान। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है मेयर का चुनाव। हरियाणा निकाय चुनाव में बिना फोटो पहचान पत्र भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने प्रशासन को प्रबंध पूरे करने के दिए आदेश। 5 राज्यों में चुनाव के बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने नेताओं का गांव में घोषणा किया वर्चित। विधानसभा के शीत सत्र में प्रदेश सरकार पेश करेगी 4 बड़े विधेयक। कांग्रेस 3 राज्यों में जीत के बाद अपना सकती है कड़े तेवर। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। राजधानी शिमला के आसपास हो रही है भारी बर्फबारी। मुख्य मार्ग बंद होने से यात्री खासा परेशान। शोपियां में सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमला। 4 पुलिसकर्मी शहीद। आतंकियों को पकड़ने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी। जैश ए मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को आज चुना गया विधायक दल का नेता। केसीआर ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2/3 बहुमत से जिताया। सबरीमाला मामले को लेकर केरल विधानसभा में विपक्ष का बवाल। विपक्ष ने सीएम पी विजयन को बोलने से रोका। सबरीमाला क्षेत्र में धारा 144 लगाने के खिलाफ बोला हल्ला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष हैदर अजीज सफली का निधन। अचानक तबियत बिगड़ने पर स्थानीय अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सीएम बनर्जी ने जताया शोक। कोलकाता में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सरकार ने दिए मामले में जांच के आदेश। उड़ान के दौरान धुआं उठने के बाद कराई गई थी लैंडिंग। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कहा, यह अंत की शुरुआत है। 2019 में बीजेपी का पतन तय है। तमिलनाडु में बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार। प्रोत्साहन के लिए 3.1 करोड़ डॉलर की राशि देगा एशियाई विकास बैंक। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश में पनप रहा है दलित आंदोलन। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार। सुनील ने उठाया दलितों पर खर्च का मुद्दा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट आरंभ। प्रोजेक्ट के तहत 2020 तक गुजरात में बनेंगे 500 ग्रीन स्कूल। अभी 241 हैं स्कूलों की संख्या।
देवलिया सफारी पार्क में एक शेरनी की मौत। मुख्य वन संरक्षक डीटी वसावड़ा का बयान, प्राकृतिक कारणों और कमजोरी के चलते हुई मौत। और शराब कारोबारी विजय माल्या ने लगाई कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार, UHBL कंपनी को बंद नहीं करने का किया आग्रह, बैंकों और कर्जदाताओं की तरफ से आ रहा है कंपनी को बंद करने का दबाव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।